अब तो ऑफलाइन आना है ना। मैं तो आज ही ऑफलाइन आया हूँ। मैं ऑनलाइन आया हूँ ना। हाँ, बाकी लोगों के लिए ऑफलाइन तो ऑप्शन तो अब है ही, तो फिर ऑनलाइन का क्या है? सचिन किसी हाँ, निकिता, तन्वी, प्रॉफिट और लॉस में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, बनाए हैं, बताइए तो जरा मुझे। या फिर प्रॉब्लम और नंबर्स में एक तो सेक्शन है जो जिसका क्वेश्चन हम लोग लास्ट में नहीं बनाए थे, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको डील कर ले। दोनों ही होगा आपके पास, बताओ, चेक करो जरा क्या है। हाँ, प्रॉफिट और लॉस तो आज ऑलमोस्ट बन जा रहा था ना, तो ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, बना लीजिएगा तो फिर तो बात ही खत्म है। और बना के क्वेश्चन पूछते तो नहीं। सचिन, क्वेश्चन बनाए हो? नो मैम, नो। किस खुशी में नहीं बना रहे हैं? पिछले 4-5 दिन से बीमार पड़े बैठे, तो अभी कुछ पढ़े ही नहीं। बीमार पड़े बैठे। चलो ठीक है, देखो तो जरा कुछ क्वेश्चंस क्या है। प्रॉब्लम और नंबर्स अगर आपके पास है तो जरा फाइल देखिए, तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। प्रॉब्लम और नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 91 देखो। प्रॉब्लम और नंबर्स है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 91। हाँ, द सम ऑफ फोर नंबर इज 64, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द सम ऑफ फोर नंबर इज 64 इफ 3 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, फिर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड नंबर एंड डिवाइडेड बाय द फोर्थ नंबर। ठीक है, इसके बाद एंड ऑल आर इक्वल, ऐसा कुछ लिखा है। तो फिर आपका जो रिजल्ट है, मतलब ये पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीन नंबर है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर करें, जैसे मान लो W X Y Z, ये तीन नंबर है, सॉरी चार नंबर है, इन चारों नंबर्स का सम जो है दैट इज 64। अब उसके बाद क्या बोला, फर्स्ट नंबर जो भी है उसमें ऑपरेशन किया गया है -3, नेक्स्ट में +3, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया और उसमें डिवाइड कर दिया। जो डिफरेंस होगा द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस, इधर क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, वो बाद में कर लेंगे। देखिए तो जरा क्वेश्चन का एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि ऑल आर इक्वल, एक्स प्लस वाई करो मान लो डिफरेंट क्वेश्चन, ये जब अगर डिफरेंट इनिशियल नंबर डिफरेंट है तो एक्स वाई जेड मान लो, वैसे भी डिफरेंट हो जाएगा ना, एक्स प्लस थ्री एक्स। हाँ तो हाँ ठीक है ठीक है, और अगर इक्वल होगा इन दैट केस, अगर आप एक में ऐड करते हैं दूसरे में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगा ना, बताइए देखिए क्या होने वाला है। अगर x के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो सारे को x के टर्म में रिप्रेजेंट करो तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट में आपका x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, नेक्स्ट में x माइनस 3 हो जाएगा, थर्ड में 3x हो जाएगा और लास्ट में x बाय 3 हो जाएगा, यही है ना, अगर नंबर सारा इक्वल है तो। और इन सबको जब आप ऐड कर रहे हैं दैट इज प्लस, दिस इज इक्वल टू 64,
लेकिन क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है वो तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है ना. Add, subtract, multiply, divide. Impact क्या हो? Smallest और largest. तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि smallest value क्या आएगा. देखो इस चीज में कुछ ये देखो बेसिक चीज कॉमन सेंस के लिए तुम दिमाग में सेट कर लो. कुछ ऐड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर में कुछ ऐड करेंगे ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा इंक्रीज करेगा कुछ भी नंबर. सब्सट्रैक्ट करोगे डिक्रीज करेगा बट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, जितना अमाउंट बता रहे हैं उतना ही करेगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी नंबर बढ़े और ज्यादा बढ़ेगा, हमेशा बहुत फास्ट इंक्रीमेंट होगा. डिवाइड करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा और वो भी फास्ट डिक्रीमेंट होगा. तो ये चीज तो यहाँ बहुत क्लियर है कि द लार्जेस्ट नंबर इज दिस वन एंड द स्मॉलेस्ट वन है ना. एक्स का वैल्यू 12 आ रहा है. लार्जेस्ट 3x. तो यहाँ पे ये तो टर्म आपके 4 times x = 12 और इस 12 में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा. सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 36 और 12 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा. 36 माइनस 4 32 इज आंसर. ये हो जाएगा. सो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है ना. कोई फिक्स रूल ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे. और ये सब ऐड हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि सब इक्वल नंबर का ही ऐसा ऐसा रिजल्ट आ रहा था. जब आप ये सब ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो वैल्यूज है उसके बराबर है. क्वेश्चन नंबर 94 जरा देखो तो सॉरी 93 पहले कर लो. द सम ऑफ 3 नंबर इज 136. ठीक है, तीन नंबर का जो एडिशन है दैट इज 136. सो क्या लिख सकते हैं अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वी कैन राइट x + y + z = 136. लेकिन बाद में ना क्वेश्चन में रेशियो भी दिया हुआ है. बेटा तो ऐसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आओगे तो लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर तो कुछ भी नहीं है. सबसे बेटर ऑप्शन है आप कुछ कंसिडर मत करिए, अलग अलग नंबर ले लीजिए. ठीक है, लेकिन बाद में जो रेशियो दिया उसका इन्फॉर्मेशन का यूज कीजिए. तो अगर हम देखिए तो सम ऑफ नंबर 3 नंबर 136 x + y + z = 136 तो लिख ही सकते हैं. उसके बाद का इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर मतलब x y y का जो रेशियो है दैट इज क्या है आपका 2/3. हाँ ठीक है, x y y लिखेंगे तो 2/3 कर देंगे. और उसके बाद क्या दिया इंफॉर्मेशन, y by z is equal to 5/3. Then the second number is, so number यहाँ पे y निकालना है. कैसे आएगा देखो, सेकेंड नंबर निकालना है तो y निकालना. तीनों का सम दिया हुआ है, दोनों को इक्वल बनाए हैं क्वेश्चन. हाँ कर सकते
x नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों नंबर आ जाएगा। कब आते हो तुम? सॉरी मम्मी, मैं लेट हो गया था। अब ऑफलाइन क्लास में आने की आदत डाल लीजिए, है ना? बताइए कैसे बनाएंगे? सॉल्व करना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 136। फर्स्ट टू नंबर्स का रेशियो 2:3 है, लास्ट टू का 5:3। सो निकालना है लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड नंबर। अच्छा सेकेंड नंबर, तीनों ही नंबर निकाल लो, क्या दिक्कत है? आई थिंक सेकेंड नंबर ही निकालना पॉसिबल है यहाँ पे। पहले अगर इन्फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पे देखो तो, क्योंकि दोनों इसमें इस दोनों का अगर यूज किया जाए तो y कॉमन है, तो यहाँ से y निकालना आसान है। फिर y जब मिल जाएगा तब इसका यूज करके z निकाल सकते हो। 10x 15y 9z is equal to 60 second number 60 कैसे निकाले? यहाँ पे ये वैल्यू अगर मालूम करना है तब क्या करोगे? यहाँ से x का वैल्यू रिप्लेस कर दो y के टर्म में, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 2/3y हो जाएगा। तो ये हम वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली z का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? z यहाँ पे है, अब क्या कर सकते हैं? z इक्वल टू 3 z चला जाएगा, 3y/5। ये वैल्यू पुट कर लो इन दोनों को यहाँ पे, हाँ ध्यान से y आ जाते हो जाएगा क्या 2/3y + y + 3y/5 = 136। यहाँ से y का वैल्यू मिल गया, जो मिला वही आंसर है ना? जिसका वैल्यू चाहिए उसी के टर्म में सबको एक्सप्रेस कर लो। रेशियो के फॉर्म से भी बनाया जा सकता है, बट सबसे बेटर तरीका यही है। इसमें भी अगर आप क्या करें ना, यहाँ पे y का वैल्यू y का रेशियो रख दे तब भी रिजल्ट आ जाए, बट एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 × 17 = 20 20y/15 यही है ना? 20 नहीं आएगा आना तुझे? एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 होगा ना? 15 + 2 2/3। अच्छा ये 10 होगा, 15y और 10y फिर उधर से, हाँ
और 34 में आपका 15 कैंसिल किया हो रहा है, 34 से आ रहा है इसका 34 4 1 36, तो 15 4 6 6 y = 6। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखो तो जरा ना, बस लास्ट जो है 93। सॉरी 93 तो कर चुके, 94। ऑफ द थ्री नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट टू इज 45, द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 93। ये वाला हाँ 94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखो तो क्या है, ऑफ द थ्री नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट टू इज 45, यही है ना। मान लीजिए वही थ्री नंबर्स में हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं और इसमें भी मेंशन कर दिया है फर्स्ट टू का जो सम है दैट इज 45, द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड दैट मीन्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 55 एंड द सम ऑफ लास्ट थर्ड प्लस थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 90। Then find the क्या है थर्ड नंबर, थ्री इक्वेशन है, थ्री वेरिएबल्स है, यूनिक आंसर आएगा, सो इसमें z का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्या, करते हैं इतने दिन से तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं, ऑनलाइन ही क्लास कर रहे थे, ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे थे, घर आने जाने का समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है, क्लास में भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्लास जब डिस्कनेक्ट हुआ वो उसके बाद बहुत सारा टाइम आपका बच ही जा रहा है ना। अब मुझे ये बताओ पूरे समय में करते क्या हो? मैं तो रोज करता हूं, हां मैं तो रोज आते हैं ऑफलाइन, इधर बदल जाता है, रोज आते हैं हम आते हैं, यहां पे बेंच कुर्सी होती है, इन दोनों में से इधर तीन दिन से आए हैं थर्टी लार्जेस्ट नंबर 20, 25 and 30. ठीक है, बन गया, ये तो कुछ मुश्किल नहीं था, चलो 91 नहीं समझ रहा है, बताओ क्या दिक्कत थी इसमें। सम ऑफ फोर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है उसका टोटल सम, उसमें हम लोग जो बाद में लास्ट में सम करते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री करके जो ऐड करते हैं वो ये टर्म है, नहीं नहीं तो नहीं एक ही नंबर में लगते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना
कि जो रिजल्ट्स आर इक्वल, देखो लास्ट में जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं ना, द रिजल्ट्स आर इक्वल, तो इसकी वजह से वो जो टोटल सम आएगा, ये देखो एक टर्म क्या है, रिजल्ट आर इक्वल मतलब ये है कि पहले जो x, y, z, w, z जो भी रहा हो ना, ये वाला पूरा सब ये आप ऐड कर रहे हो तो 64 आ रहा है। तो जब आप इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं इसी नंबर में, अलग अलग ले लो या फिर इक्वल एक ही टर्म ले लो, क्यों? क्योंकि ये जो आप रिजल्ट आ रहा है जब x माइनस 3 कर रहे हैं, तो ये मान लो कोई नंबर a है, जैसे b जो है उसमें हम x प्लस 3 कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये सारा आपस में इक्वल हो रहा है, मतलब एक ही नंबर में, इस एक नंबर में जब हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट इक्वल आ रहा है। यहाँ से अब इसके बाद जो रिजल्ट इन सब का सम करने के बाद भी जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है 64, है ना? कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो ऑपरेशन अगर ध्यान से देखिएगा एक चीज ये, तो ये भी समझ सकते हैं कि तीनों जो भी नंबर है इसमें जो भी ऑपरेशन किया गया है, एक पे मान लो जोड़ा गया है दूसरे में घटाया गया है, तो रिजल्ट दोनों क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, होगा नहीं होगा कैंसिल। जो एडिशन में जो, क्योंकि एक ही नंबर आप ले रहे हो उसको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सिंपल लॉजिक ये है कि जब एडिशन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है, तो अल्टीमेटली जो 64 है वो वही रह जा रहा है, इसी के बेसिस पे वो पूरा टर्म सिंपलीफाई हो जाता है, क्योंकि एडिशन का जो भी टर्म उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन का जो इफेक्ट है उसको डिविजन न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 किसका? 99 इसमें तो नहीं है, कौन सा उसपे बोलो सिंबल है ये इसमें हम सबसे ऐसे रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 86 देख रहे हैं, देखिए तो जरा 86 इफ वन इज एडेड टू डिनोमिनेटर रैंडम नंबर टेबल का वो टेबल आ गया जो नंबर है नहीं। चलो ठीक है, वन इज एडेड टू अ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इसमें जो भी नंबर है अगर आप फ्रैक्शनल मतलब एक्स वाई वाई नंबर ले लो, ठीक है, और इसमें इफेक्ट डाल दिया गया है वन इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो क्या कर रहे हैं वाई को वाई प्लस वन कर दिया, अब इसके बाद क्या बोल रहा है वन इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स वन बाई टू, ये रिजल्ट वन बाई टू हो जा रहा है, यही है ना? ठीक है, आगे लिखा है इफ वन हैज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स वन, और इसी में ये कर दिया जाए एक्स प्लस वन बाई वाई एंड दैट इज इक्वल टू वन, वन वन कर सकते हो कंपैरिजन करने के लिए, एंड उसके बाद क्या है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द न्यू वैल्यू जो भी फ्रैक्शन था वो क्या है, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 86 वन इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो जो भी फ्रैक्शन है वो वन बाई टू बन जा रहा है, न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हो तो ये आ जा रहा है, सो रिजल्ट क्या होगा देखिए जरा, एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है, हाँ उसके बी ऑप्शन बी बन जाएगा, हाँ कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं है तो प्रो ऑप्शन चेक करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जरा देखो, तो अगर ये चाहिए है तो ये तो ऑप्शन से बन जाएगा, ऐसे भी आप चाहे y प्लस वन इज इक्वल टू कर लो, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा y प्लस टू बाई थ्री है ना, टू बाई थ्री, तो इसको मैं चाहूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन, यहाँ से अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन,
यहाँ से वैल्यूज निकाल लीजिए, इक्वेशन निकालना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, उसको क्या कर लोगे, x अगर इधर माइनस आएगा तो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, इससे सिंपलीफाई करके निकाल लो, इतना करो, करने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से डाल देंगे, प्लस ऑप्शन को देखा। क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, ठीक है, जो नंबर है दैट इज फ्रैक्शनल, कंप्लीटली फ्रैक्शन है, और ऑप्शन दे रहा है हमारे पास द सम, सॉरी क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 11, तो फ्रैक्शन में तो पहले पे x y y ले लो, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो इस फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है x plus y is equal to 11, ठीक है ना, x y y का जो भी है तो इस तरह का जो भी सम करना है दैट इज 11। इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड टू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब ऑपरेशन x plus 1 हो जाएगा एंड x minus 2 हो जाएगा, देन दैट बिकम्स क्या हो रहा है, देन y minus 2 इज इक्वल टू 2/3, द फ्रैक्शन इज, यहां से x y y निकलता है, बताइए क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या शुरू कर रहे हैं, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम 11 है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 2 सब्सट्रैक्ट करें, तो ये रिजल्ट 2/3 हो जा रहा है, देन यू हैव टू फाइंड x एंड y, x और y मिल गया तो सारे अरेंजमेंट के ऑर्डर में लिख लो, रिजल्ट आ जाएगा, एक मिल जाएगा तो दूसरा सम वाली इक्वेशन से रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x plus 3 2y 3y is equal to 3 हो जाएगा 3x plus 3 is equal to 2y minus 4, तो 3x minus 2y is equal to minus 4 minus 7, ये माइनस भी आएगा उधर होगा ना, ये एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन हमारे पास x plus y है is equal to 11, इसको सिंपलीफाई करना है तो कैंसिल कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसको और इसको भी, क्या हो जाएगा, कैंसिल करिए, माइनस प्लस है तो कैंसिल कर सकते हो, अब क्या आया यहाँ पे आपके पास बचा 5x is equal to 15, so x is equal to 3, तो y is equal to 8 minus 3 minus 4 3 minus 8 minus 3 8 हो गया, so x y y कर रहे हैं 3 by 8 हो गया, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला जो 84 बोल रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है ना, देखो बस दिया है क्वेश्चन, सम ऑफ टर्म्स से दिया है, वहां डिफरेंस ऑफ टर्म्स भी है, द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5, कोई भी नंबर वही x y y ले लीजिए, डिफरेंस इज 5, इफ 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1 into 1 by 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, देखो जरा ये इरेज कर दू, चलो बताओ क्या है, क्या है इंफॉर्मेशन, पहले कोई भी फ्रैक्शन, सो एक्स वाई वाई द सम ऑफ, सम तो नहीं है, डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ क्या दिया है, एक्स वाई वाई है या वाई वाई एक्स है, डिफरेंस ऑफ नंबर है ना, डिफरेंस ऑफ क्या लिखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो x माइनस y हो जाएगा, y माइनस x नहीं है ना, ये चीज ध्यान रखना है, द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 5, ठीक है, अब इसके बाद का क्या इंफॉर्मेशन है, इफ 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ओके y plus 5, तो फिर फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय दिस,
डिक्रीज बाय बोल रहा है, कुछ नंबर है ना, क्या नंबर बताओ? वन इंटू वो फ्रैक्शन का ही माइनस हो रहा है, वन इंटू वन बाई फोर ना, सो अगर इसको करेंगे तो ये फाइव बाई फोर है, सो फाइव बाई फोर ऑफ इट्स इतना डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो एक्स माइनस वाई, एक्स बाई वाई था, इसका कितना पार्ट हो जा रहा है, उस नंबर से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई मतलब फाइव बाई फोर, सही है? कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक्स वाई डिक्रीज बाई डिक्रीज हो जा रहा है उतना, नहीं जो ओरिजिनल नंबर था उससे इतना कम हुआ है, ओरिजिनल नंबर तो यही था ना, नहीं एक बार और सोच के देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो, मेरे लगता है कि नहीं है तो फिर बताओ, और भी कोई इंफॉर्मेशन है? द डिफरेंस ऑफ द डिनोमिनेटर्स इफ एक्स इज अदर्स डिनोमिनेटर, बताइए, ठीक है? क्या होगा, बनेगा? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, अगर एक्स वाई वाई हम दो अलग अलग वेरिएबल ना लेना चाहिए, एक ही वेरिएबल लें, तो अगर एक वेरिएबल मान लो एक्स एक्स कंसीडर करते हैं, कोई एक वेरिएबल एक्स ले लेते हैं, तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, y जो होगा वो क्या हो जाएगा, x is equal to y, y is equal to क्या हो जाएगा, y x plus y हो जाएगा, ये add हो जाएगा, ये बचा रहता है, y plus y plus x is equal to y plus y हो जाएगा, कोई एक term अगर हमारे पास है, तो अगर हम कोई एक वेरिएबल कुछ भी ले, x या y ले ले, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x plus y हो जाएगा, हो गया ना, पहला नंबर अगर हम x ले ले, मान लीजिए x ये है, तो x plus y हो जाएगा, क्यों होगा, न्यूमरेटर में क्यों ऐड होगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो लार्जर नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर, समझ आया, क्या बोल रहा है, x माइनस फाइव जो है वो फाइव है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइव है, तो अगर डिनोमिनेटर x होगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस फाइव होगा, हाँ या नहीं, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज फाइव, तो जब डिफरेंस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर लार्जर होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो अगर डिनोमिनेटर x है तो दूसरा नंबर x प्लस फाइव हो गया, खत्म,
है या नहीं? हाँ वैसे मैं ज्यादा कहा बोले नहीं तो नहीं डिनोमिनेटर, ये बाद में ऑपरेशन किया गया है ना, शुरुआत में क्या बोला एक्स वाई बाई को फ्रैक्शन है. और डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, लैंग्वेज में लिखा है देखो, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 5. तो डिफरेंस जब पॉजिटिव है तो ये 100 में उसकी जो भी नंबर न्यूमरेटर में होगा दैट इज पॉजिटिव. सो अगर ये डिनोमिनेटर x हुआ तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x plus 5 जो कि y. ठीक है, तो ये आपके पास ये फ्रैक्शन हो गया. इस फ्रैक्शन में आप फर्दर ऑपरेशन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना. तो अगर हम इसको ये कर लें, x plus 5 हमारे पास ये ऑप्शन है और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है x. इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे माइनस एक्स प्लस फाइव बाय एक्स प्लस फाइव हो जाएगा एंड दिस इज 5/4. देखो तो ये जरा समझो तो क्या है, दिस इज ए जो इनिशियल स्टेज का नंबर था, इस नंबर में से क्या घटाया जा रहा है, उसी नंबर का वाई में जब 5 ऐड कर दे रहा है. तो इनिशियली एक्स प्लस फाइव तो ऑलरेडी था, इसमें आप डिनोमिनेटर में 5 ऐड करोगे तो एक ये टर्म आ रहा है और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 5/4, है ना क्वेश्चन में. तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको करोगे कैंसिल तो दिस इज 1, सो x plus 5 by x minus 1 is equal to 5/4. यहां से x निकाल लो, x निकल जाएगा तो y भी निकल जाएगा, होगा या नहीं समझिए पहले चीज को. आपका काम आसान हो जाएगा अगर इन टर्म्स ऑफ सम और डिफरेंस दे रहा है तब. लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम चाहे तो ऐसा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक टर्म में इक्वेशन दूसरा वाला नहीं बन पाता जिसमें रिजल्ट बता रहा है. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर आप ये ऑपरेशन करते हैं तो इतना कम हो जाता है. तो यहाँ पे ये चीज हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस वो आ रहा है ना, लेकिन उस केस में नहीं हो सकता. देखो तो ठीक है, x का वैल्यू 4 और y तो फिर कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि नहीं डिफरेंस है ना, 4 आ रहा है तो गलत है, फिर गलत है क्योंकि फिर नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा. नेगेटिव फ्रैक्शन है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो नहीं होगा. फोर आ रहा है तो ठीक है, 4 + 9 ठीक है, 9 - 4 डिफरेंस तो आ गया. ठीक है श्या, क्योंकि आपके पास क्या है x का वैल्यू 4 आया, दिस इज 4, 4 ऊपर जाएगा तो 4 + 5 9, तो 9/4 इज द आंसर. और अगर डिफरेंस निकालोगे तो 9 - 4 इज 5, ऑप्शन ये जो कंडीशन है वो सही है. 2 - 1/2 इज 1/2 ठीक है, उसको इस फिर से निकालेंगे तो हो जाएगा. यहाँ पे ये आसान हो जाएगा कि आपको दो अलग अलग वेरिएबल लेके नहीं चलना पड़ेगा, एक वेरिएबल मिल गया, एक वेरिएबल के रिलेशन में दूसरा रिजल्ट है तो आराम से बन जाए. बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, है ना. क्वेश्चन समझ आया कुछ आदर्श, क्या ही कैलकुलेशन कर रहे हो. इससे आसान से हो जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस दे दिया है यहाँ पे, रिलेशन डाल दो हो गया काम खत्म. ये पहला नंबर ओरिजिनल नंबर था, y डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दे रहे हो तो रिजल्ट तो सेम ही आ जा रहा है, 1 सब्सट्रैक्ट करके रिजल्ट आ गया. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा विद इन अ मिनट बन सकता है अगर प्रैक्टिस है तो, है ना. ठीक है, और क्वेश्चन बनाना है,
क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के कब लाओगे ये मुझे बताओ, जिसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन तुम 42 बनते हैं क्या? 42 लेट मी चेक, बताया तो होगा 42 तक मैंने, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है वो है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय द बिगर नंबर इज 224, ठीक है, एंड द डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर इज 35, द नंबर्स आर, यही है ना। पहले क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, मान लो x plus y are two positive number, इसको जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है लार्जर नंबर से, तो लार्जर नंबर x को मान लो, चलो x, ये जो रिजल्ट है दैट इज 204 है ना, देखिए तो 204। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, देयर डिफरेंस मतलब x minus y, इसको मल्टीप्लाई किया गया है स्मॉलर नंबर से, अगर लार्जर नंबर y है तो ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर, larger number x to smaller number y हो जाएगा, then this is 35, so numbers क्या है, ये दो equation मिला है, इसको simplify करना पड़ेगा, 42, random question, random ही है ना, बनाया है, देखी थी, 99 नहीं था, ऐसे ही कर चुकी तो यहाँ पे देखो उसको बनाएंगे कैसे, कैसे बना सकते हैं, अटेम्प्ट करके सिंपलीफाई तो पहले कर ही लो, x स्क्वायर प्लस x y इज इक्वल टू 204, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो अगर क्या माइनस माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके हाँ तो निकाल सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म हम खत्म हो जाएगा, तो जब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यही टर्म लिख देते हैं माइनस, ठीक है, ये माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन खत्म, बचेगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 204 माइनस करिए 35, तो 30 170 169 होगा ना, ठीक है, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। बोलो बोल रही थी प्लस y स्क्वायर, ये माइनस होता तो माइनस यहाँ भी ऑपरेट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है, सो जब इस माइनस को यहाँ पे इन दोनों को कॉमन टर्म माइनस हो गया, ये x स्क्वायर और माइनस माइनस आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है ये माइनस है तो नेगेटिव डिफरेंस होगा, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो आ गया, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, हाँ 30 प्लस स्क्वायर होता है वो, लेकिन कंपेयर ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हाँ अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें नंबर्स पूछा गया है ना, देन द नंबर्स आर, ए बिगर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो 2ab 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5
करोगे तो क्या आ जाएगा सेवन सेवन इंटू फाइव आ जा रहा है उसी क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है प्लस 5 17 और 17 इनटू 12 204 17 इनटू हां आ गया ठीक है हो गया सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है
लेकिन अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करना पड़े तो तब क्या ऑप्शन है, तब कैसे करेंगे, तब तो पूरा ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसमें ये किया जा सकता है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्म है, फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज पुट करो, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस टू ए बी भी यहाँ से निकाला जा सकता है ऊपर वाले इंफॉर्मेशन से, तो हो जाएगा ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में करिएगा, सॉल्व करके देखना। अब आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रॉफिट लॉस वाला लास्ट जो टॉपिक है वो भी ऐसे से कवर कर लीजिए, इसका भी जो सेक्शन छोटा था वो भी हो गया। परसेंटेज, अच्छा ठीक है, परसेंटेज पे, परसेंटेज पे हाँ, तो बनाना तो है ना, अब बना कर ही लाओ, बना कर ही लाओगे ना।